हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारे ओप्पो पैड एयर के लिए एक कवर हमें मिल गया है ऑनलाइन अच्छा सा। तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कवर किस तरह से फ़िट होता है और आपको ये कवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कवर मुझे मिला है अमेज़ोन से, चाइनीज़ कवर है, जेनेरिक है। और इस ओप्पो पैड एयर में किस तरह से फ़िट होता है इसको हम अभी लगा के देखेंगे। तो पहले कवर को बाहर निकाल लेते हैं। तो कवर का टेक्सचर कुछ इस तरीके से मिलता है, आप देख सकते हो छोटा सा ये लोगो है सर्कुलर और लेदरेट मटेरियल का ये बना हुआ है। ऊपर का मटेरियल सॉफ्ट है, अंदर का थोड़ा सा टेक्सचर्ड है, पर काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और नीचे की साइड ये टीपीयू का बैक कवर है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आइए टैब को इसमें लगा के देखते हैं कि टैब किस तरह से फ़िट होती है और क्या ये टैब को परफेक्टली प्रोटेक्ट कर पाता है। तो ये टैब को हमने इसमें रख दिया है और अब देखते हैं कि ये किस तरह से आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपकी टैब लगने वाली है और ये जो पोर्ट्स हैं परफेक्टली अलाइंड हैं, आप देख सकते हो सारे पोर्ट्स परफेक्टली अलाइंड हैं। माइक्रोफोन्स के लिए भी परफेक्ट कटआउट्स दिए हुए हैं और जो वॉल्यूम के बटन्स हैं वो भी कवर्ड हैं, तो ये भी स्क्रैचेस से बच जाएंगे। और अगर ऊपर की साइड देखें तो ऊपर की साइड भी परफेक्ट कटआउट्स दिए हुए हैं इसमें, तो जिसमें से आपके स्पीकर जो हैं वो मफल्ड नहीं होंगे और अच्छी आवाज़ आएगी। और साथ ही जो पावर बटन है वो भी कवर्ड है। तो कुछ इस तरह से ये कवर मिलता है, काफ़ी पसंद आया मुझे। टैब इसमें परफेक्टली फिट हो रही है और इसको हम चाहें तो एक स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट वॉच कर रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं या फिर आप कीबोर्ड के साथ काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ इसको आप पीछे की तरफ मोड़ के अपने हाथों में लेके भी इस पे काम कर सकते हो। तो कवर काफ़ी अच्छा है, लेकिन बस दिक्कत यह है कि थोड़ा सा हैवी है। ये जो ओप्पो पैड एयर है ये अब इतनी लाइट नहीं रह गई है, पहले ये 450 ग्राम की थी और अब इसका जो वज़न है वो करीब 800 ग्राम हो गया है, तो थोड़ी सी हैवी हो गई है। बाकी कवर बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।